गरीबी की धुंध से निकलकर कैसे बना इतना घातक तेज गेंदबाज, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे खेलते हुए उसके पिता नहीं देख सके, एक ऑटो ड्राइवर का बेटा कैसे बना करोड़पति, पिता ने ऑटो चलाया और बेटा टीम इंडिया की जर्सी में नजर आया, जब उसने अपने खेल कोच की लाज और नौकरी दोनों बचा ली, आर्मी में जाने वाला लड़का कैसे बन गया तेज गेंदबाज। दोस्तों, गरीबी जिंदगी का एक ऐसा रोग है जिसका समय रहते अगर इलाज ना किया गया तो यह जिंदगी को बद से बदतर बनाकर ही छोड़ती है। विश्व क्रिकेट के इतिहास में हमने आपको अपने वीडियो में कई ऐसे खिलाड़ियों के जीवन की दास्तां सुनाई है जिन्होंने गरीबी से लड़कर अपने सपनों को पंख दिए और क्रिकेटर बनने का सपना नहीं छोड़ा। ऐसी ही एक और कहानी है बिहार के उस लाल की, जिसने बचपन से ही गुर्बत भरी जिंदगी देखी और देखा एक सपना भी, टीम इंडिया के लिए खेलने का। अपनी गुर्बत भरी जिंदगी को ताकत बनाई और बिहार से निकलकर 620 किलोमीटर दूर कोलकाता जाकर अपने सपने पूरे करने चला गया। घर से निकलते वक्त पीछे से उसके पिता ने टोका और कहा, तुम्हारे पास एक साल का वक्त है, खुद को साबित करो, नहीं तो वापस से आर्मी के लिए तैयारी शुरू कर देना। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स, और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी की जिसकी जिद और हौसले के आगे खुदा को भी झुकना पड़ा और अपने सपने पूरे करके ही दम लिया। लेकिन जब उसका सिलेक्शन हुआ तब उसके पिता अपने बेटे के सपने पूरे होते देखने के लिए इस दुनिया में नहीं थे। अपने सपने को पूरा होता देख पिता का हाथ कंधे पर ना होते हुए देखकर उस दिन वह बहुत रोया था। हम बात कर रहे हैं मुकेश कुमार की। आज हम इस वीडियो में मुकेश कुमार के जीवन की संघर्ष भरी कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मुकेश कुमार का जन्म 12 अक्टूबर 1993 को बिहार के गोपालगंज शहर में हुआ था। पिता काशीनाथ सिंह कोलकाता में एक टैक्सी ड्राइवर थे और माँ हाउसवाइफ। परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए पिता काशीनाथ काम के सिलसिले में कोलकाता चले गए। मुकेश अपनी माँ और चाचा के साथ गाँव में ही रह रहे थे। पिता की गैर मौजूदगी में मुकेश ने पढ़ाई को दरकिनार कर खेल पर ज्यादा ध्यान दिया। मुकेश को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का खूब शौक था। वो घर से कुछ दूर खेतों भरे मैदान पर दोस्तों के साथ रोज क्रिकेट खेलने चले जाते थे। माँ के टोकने पर भी मुकेश उनकी बात को नजरअंदाज करते। पिता जब छुट्टी लेकर घर आते तो मुकेश सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते। 14-15 की उम्र के आते आते मुकेश ने खूब टेनिस टूर्नामेंट खेला जिसमें उन्होंने अपनी शानदार तेज गेंदबाजी से कई ट्रॉफियां और इनाम जीते। साल 2008 में एक दिन उन्हें खबर मिली कि गोपालगंज में प्रतिभा की खोज के लिए क्रिकेट ट्रायल हो रहा है। मुकेश बिना देरी किए ट्रायल देने पहुंच गए। ट्रायल में मुकेश ने अपने हुनर का जौहर दिखाया। ट्रायल ले रहे सेलेक्टरों को मुकेश की गेंदबाजी ने काफी प्रभावित किया और सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया। एक बार उन्हें क्लब क्रिकेट की ओर से खेलने का मौका मिला। मैच 25-25 ओवरों का था। मुकेश ने 7 मैचों में 34 विकेट अपने नाम किए। मुकेश को उनके शानदार प्रदर्शन का जल्द इनाम भी मिलने वाला था और कुछ दिन बाद BCCI के द्वारा होस्ट किए गए एसोसिएट एफिलिएट क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने बिहार अंडर 19 टीम को रिप्रेजेंट किया। गोपालगंज के कप्तान अमित सिंह ने मुकेश कुमार की गेंदबाजी को देखा जिससे वह काफ़ी प्रभावित हुए। मुकेश अपने गांव गोपालगंज से 15 किलोमीटर दूर काकरपुर रोज साइकिल चलाकर मैच खेलने जाते थे। उन्हें देखते ही अमित समझ गए कि इस लड़के में कुछ तो बात है। एक दिन अमित से रहा नहीं गया, उन्होंने मुकेश से कह दिया कि तुम बस से आया जाया करो, अभी छोटे हो, थक जाते होगे। मुकेश का एक ही जवाब होता, सर मुझे सेना में भर्ती होना है, मसल्स मजबूत कर रहा हूँ। अमित यह सुनकर हंस देते। मुकेश जितनी मेहनत करते थे उन्हें पता भी नहीं था कि यह मेहनत एक दिन काम आएगी। मुकेश का सपना अब जुनून बनने लगा था। मुकेश सेना में इसीलिए भर्ती होना चाहते थे कि उनके कजन सेना में थे। मुकेश के पिता क्रिकेट के खिलाफ थे, इसीलिए वो मुकेश से नाराज रहते थे और यह नाराजगी जायज भी रहती क्योंकि उस दौर में बिहार में क्रिकेट का कोई भविष्य नहीं था। इसी बीच मुकेश ने 3 साल CRPF की तैयारी की और 2012 में उनका रिटर्न निकल गया, लेकिन फिटनेस टेस्ट में वो रिजेक्ट हो गए। यहाँ से उन्होंने सेना से ध्यान हटाकर पूरा ध्यान क्रिकेट में कर दिया। मुकेश को पता था कि बिहार की कोई रणजी टीम नहीं है, इसीलिए बिहार में रहकर क्रिकेट के सपने देखना मुंगेरी लाल के सपने देखने जैसी बात होगी। एक बार मुकेश टेनिस टूर्नामेंट खेलकर वापस लौट रहे थे तब उनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। पिता ने कहा, मुकेश बहुत हो गया, अब तुम मेरे साथ कोलकाता चलोगे और तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ रहकर करना होगा।
पिता चाहते थे कि मुकेश किसी सरकारी नौकरी करे। मुकेश ने डिजिटल लर्निंग के जरिए ग्रेजुएशन में दाखिला लिया और बाकी टाइम क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। पिता ने मुकेश को टोकना बंद कर दिया था। उन्होंने मन में सोचा, अभी इसे अपने मन की कर लेने दो। जब इसे पता चलेगा कि क्रिकेट में भविष्य नहीं बन पाएगा तो खुद पढ़ाई करने लगेगा। एक तरफ जहां पिता उसकी चिंता कर रहे थे तो दूसरी तरफ मुकेश की रेड बॉल में दिलचस्पी बढ़ रही थी। मुकेश एडमिशन के लिए कोलकाता के कालीघाट क्रिकेट क्लब गए, जहां उनसे कहा गया कि तुम्हें पहले 2 साल पानी पिलाना पड़ेगा, तब तुम्हें पहला मैच खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहां सिर्फ बड़े क्रिकेटर खेलते हैं। मुकेश ने वाणी निकेतन स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लिया, जहां उनकी मुलाकात वीरेंद्र सिंह से हुई। उनके अंडर मुकेश ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, जो आगे चलकर उनके मेंटोर भी बने। वीरेंद्र को मुकेश की काबिलियत का अंदाजा हो गया। वाणी निकेतन की तरफ से खेलते हुए सेकंड डिवीजन के डेब्यू मैच में मुकेश ने 6 विकेट लिए। अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें फर्स्ट क्लास डिवीजन टीम में शामिल कर लिया गया। इसी बीच मुकेश के पिता की तबीयत बिगड़ती चली गई। मुकेश के पिता अभी भी काफी नाराज थे और नौकरी वाली बात पर अड़े थे। तब मुकेश ने समझाया और कहा, पापा मुझे बस 1 साल दे दो। उनके पिता ने हामी भरी और कहा, सिर्फ 1 साल। साल 2014 में उस समय बंगाल क्रिकेट के सेक्रेटरी सौरभ गांगुली ने विजन 2020 नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें टैलेंटेड प्लेयर को तलाश कर उन पर काम किया जाना था। इस प्रोग्राम में वकार यूनुस, मुथैया मुरलीधरन और वीवीएस लक्ष्मण को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कोच वीरेंद्र के कहने पर मुकेश को ट्रायल के लिए बुलाया गया। करीब 300 खिलाड़ी इस ट्रायल का हिस्सा थे। पूरे दिन ट्रायल चलने के बाद आखिर में मुकेश कुमार का नंबर आया तो वो टॉयलेट में थे। उनके जवाब न देने पर उनका नाम रिजेक्ट कर दिया गया। मुकेश वापस आए तो तमाम विनती करने के बाद आखिर उन्हें मौका मिला। मुकेश जानते थे कि उनकी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ 5 बॉल उनके पास हैं और इन्हीं 5 बॉल में खुद को साबित करना है। धूप बहुत तेज थी, इसीलिए सेलेक्टर दूर खड़े हो गए। किस्मत से कोच रानादेव बोस चाय लेने नेट के पीछे गए और उन्होंने देखा कि मुकेश गेंदों को दोनों ओर स्विंग करा रहे हैं। तब कोच ने वकार यूनुस से कहा, इसे रख लो, मुझे अच्छा लग रहा है। वकार ने हामी भर दी। अब मुकेश अच्छे लोगों के बीच पहुंच गए थे, जहां वो और चमक सकते थे। जहां एक तरफ मुकेश को खुशी थी तो दूसरी ओर उन्हें आर्मी ट्रेनिंग से फिटनेस में काफी मदद मिल रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी मुकेश को एक गंभीर इंजरी हो गई। उनके घुटने में पानी जमने लगा, मतलब खून की कमी थी। अब उन्हें ज्यादा वक्त हॉस्पिटल और रिहैब सेंटर में गुजारने पड़ेंगे और आने वाले कई मैच उनसे दूर रहेंगे। इस बीच बंगाल क्रिकेट ने उनकी काफी मदद की। साल 2015 में मुकेश ने क्लब क्रिकेट में धमाकेदार वापसी की। तब उनका बंगाल की रणजी टीम में सिलेक्शन हुआ। मैच से पहले टीम के कुछ सदस्य नाराज थे, एक चोटिल खिलाड़ी को कैसे मौका दे सकते हैं। अब खुद को साबित करने वाली तारीख मुकेश के सामने थी। 30 अक्टूबर 2015 को हरियाणा के खिलाफ मुकेश ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। मुकेश ने विरोधी टीम के दोनों ओपनर राहुल दीवान और वीरेंद्र सहवाग पवेलियन राह दिखा दी। इस मैच में मुकेश ने 5 विकेट हासिल किए। मैच समाप्त होने के बाद कोच बोस ने कहा, मुकेश तुमने मेरी लाज और नौकरी दोनों बचा ली। अगले मैच में अनुभवी मोहम्मद शमी और अशोक डिंडा के होने से उनका टीम में जगह बनाना मुश्किल था, इसीलिए वो इंतजार करते रहे। साल 2018-19 सीजन में मुकेश ने अपनी जगह पक्की कर ली। वापसी ऐसी जबरदस्त कि 5 विकेट लेकर ही माने, और उसी साल अशोक डिंडा ने रिटायरमेंट ले ली। मुकेश अब टीम के पसंदीदा और उपयोगी खिलाड़ी बन गए थे। बंगाल ने अच्छा प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में पहुंच गई, जहां उसके सामने कर्नाटक की टीम थी, एक ऐसी टीम जिसकी बल्लेबाजी को भेद पाना विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए कठिन काम था, क्योंकि इस टीम में देवदत्त पटिकल, करुण नायर, केएल राहुल और मनीष पांडे थे, लेकिन मुकेश की धारदार गेंदबाजी के आगे ये बड़े बड़े धुरंधर ढेर हो गए। मुकेश ने इस मैच में 6 विकेट लेकर बंगाल को फाइनल में पहुंचा दिया। पूरे सीजन में उन्होंने 10 मैच में 32 विकेट झटके। मुकेश इस समय डोमेस्टिक क्रिकेट के पीक पर थे, लेकिन अपने बेटे की उपलब्धि देखने के लिए उनके पिता उनके साथ नहीं थे, क्योंकि उन्हें ब्रेन हैमरेज था। जिंदगी के मोड़ पर मुकेश के लिए यह सबसे बड़ा नुकसान था। मुकेश लगातार मेहनत कर रहे थे। रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्हें दलीप और ईरानी ट्रॉफी में भी जगह मिली। फिर कोविड महामारी आई और सब कुछ बंद हो गया। साल 2021 में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद मुकेश को इंडिया ए टीम में शामिल किया गया, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ अनऑफिशियल मैच में 5 विकेट झटक लिए।
मुकेश लगातार अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे थे। मुकेश पर आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल्स की नजर भी थी। दिल्ली ने उन्हें बतौर नेट बॉलर शामिल कर लिया। मुकेश के लिए अब वो दिन आने वाला था जब उनका सपना सच होने जा रहा था। अक्टूबर 2022 में उन्हें इंडियन टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया गया। मुकेश उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए जिन्होंने बिना आईपीएल खेले इंडियन टीम में जगह बनाई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्हें नीली जर्सी पहनने का मौका नहीं मिला। इसके बाद जनवरी 2023 में होने वाले श्रीलंका की T20 सीरीज में उन्हें चुना गया, पर मुकेश को आईपीएल नीलामी में वो मिला जिसे देखने के लिए उनके साथ उनके पिता नहीं थे। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 5.5 करोड़ में खरीद कर टीम में शामिल कर लिया। मुकेश आईपीएल में दिल्ली के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। अंतिम ओवर में उन्होंने सनराइजर्स के जबड़े से जीत छीन ली। दिल्ली की टीम ने मुकाबले में 145 रनों के टोटल को डिफेंड कर लिया। अंतिम ओवर में सनराइजर्स की टीम को जीत के लिए सिर्फ 13 रनों की जरूरत थी और उनके 4 विकेट बचे हुए थे। दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने मुकेश को गेंद थमाई और मुकेश ने कर दिखाया। उन्होंने बल्लेबाजी कर रहे वाशिंगटन सुंदर और मार्को जैनसन को एक भी चौका नहीं लगने दिया। मुकेश ने ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और दिल्ली को 7 रनों से जीत दिला दी। अंतिम गेंद के बाद पूरी दिल्ली की टीम मुकेश से लिपट गई। मुकेश ने बता दिया कि आखिर फ्रेंचाइजियों ने उन पर 5.5 करोड़ क्यों खर्च किए थे। आइए दोस्तों अब मुकेश के डोमेस्टिक करियर पर एक नज़र डालते हैं। मुकेश ने 33 फर्स्ट क्लास, 24 लिस्ट ए और 23 T20 मुकाबले खेले हैं जहां उन्होंने लगभग 175 विकेट हासिल किए हैं। दोस्तों प्रतिभावान युवा खिलाड़ी मुकेश कुमार क्या इस आईपीएल के बाद भारतीय टीम में जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और स्टोरी एक और खिलाड़ी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।